Let's we start with our last topic of the chapter number 2. Before completing that last topic of the chapter number 2, we complete our those figures which are given on the page number 37. Look on the page number 37, the figures are given about the various seeds and fruits, etc. Now here, very first figure, that is the bean seed. The bean seed, these are the two cotyledons. When we cut open it longitudinally, these are the two cotyledons filled with stored food. Reserved food is there. These two cotyledons. And this same complete bean seed is somewhat like this. ये complete bean seed था तो बोलो यहाँ पे micropyle है और उसके नीचे ये this is the embryo axis. In this embryo axis with micropyle. Look second figure. The second figure which is there given as a ये तुम देखोगे तो वो फिगर में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ दिस पार्ट एंड देन आफ्टर हियर ब्रांच्ड प्लांट. एक्चुअल में ये ब्रांच प्लांट नहीं है, उसका एम्ब्रियो एक्सिस है. दिस एम्ब्रियो एक्सिस डिपेंडिंग ऑन अस वी कैन ड्रॉ एज मच ब्रांच एंड सब ब्रांचेस. Because this is not any particular pattern. Depending on the availability of the space and food material, it develops. And look, this complete part, something appear like that of leaf. This is not leaf, but this is the cotyledon. It's a cotyledon, ye embryo axis hai. Look, this is the embryo axis, this is the cotyledon. Wo cotyledon pura aisa usko cover karta hai. Aisa, ab ye kaise hoega, mere se isse hoega nahi, aisa pura cover karta hai. Now look here. The food material endosome is surrounding it और ये यहाँ से जो है उसका पूरा तो बीच में का जो भी स्पेस रह गया वो स्पेस में उसका रिजर्व फूड मटेरियल एंडोस्पर्म. दिस इज द एंडोस्पर्म. लुक दिस ऑल फिगर्स यू शुड बी रेडी not only for the theory but as well as it for the practical also. और अब इसका ये जो base part यहाँ से आया, sorry ये endosperm मैंने ऐसा कैसा कर दिया. अब देखो, now look here, ये उसका जो attachment होता हैगा उसके साथ में. And this is the complete structure, complete external view along with that external view. देखो ये ऐसा रहेगा. And look, inside it there is a embryo axis. ये एम्ब्रियो एक्सिस के ऊपर से ये पूरा यहाँ से इसको कोटलीडोन का पार्ट ये कोटलीडोन के पार्ट के ऊपर से यहाँ से इसको इतना डबल लाइन करने का
So look, this is the second one. अब देन आफ्टर ये थर्ड ग्रास का हैगा, वो ग्रास का जो है वो दैट इज ऑफ द मोनोकोट एंड मोनोकोटलीडोन, दिस इज ऑफ द ग्रास। अब ये ग्रास में पहले हम ये अपने ड्रॉ करेंगे, दिस इज वन कोटलीडोन एंड इनसाइड दिस कोटलीडोन दिस इज द एम्ब्रियो एक्सिस। And this is the complete seed coat. Many times student confused, sir, उसका seed ऐसा होता है? हाँ होता है ऐसा। Don't go for the only the seed shape. And here that reserve food material. Endosperm. चलो लास्ट ईयर यू हैव स्टडी दिस बीन मेज सीड, दैट लास्ट फिगर इज दैट ऑफ द मेज सीड। ये मेज सीड में जो है ये पूरा एक ऐसा बॉक्स जैसा हैगा, या आउटर मोस्ट दिस वन इज अ पेरिकार्प। सीड कवरिंग एज वेल एज सीड कोट एज वेल एज द फ्रूट कवरिंग। अब ये जो पूरा ऐसा बॉक्स जैसा आएगा, ये बॉक्स है अंदर का पूरा, उसमें दो पार्ट है। द लोअर पार्ट इज कंटेनिंग द एम्ब्रियो, अपर पार्ट इज कंटेनिंग द फिल विद दैट ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। एज वेल एज लुक फ्रॉम दिस यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट हैपन इन दिस मोनोकोट। जनरली इन मोनोकोट, ये डाइकोट का यहाँ हम देखते हैं और यहाँ पे मोनोकोट का देखते हैं क्या होता है। जनरली इन दिस डाइकोट एंड मोनोकोट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, लुक दिस इज ओव्यूल, हियर इज ऑल्सो ओव्यूल, जो भी होगा। चलो आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस टर्न्स इनटू सीड, आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस टर्न इन सीड, दिस इज द मोनोकोट, दिस इज डाइकोट। आफ्टर कन्वर्जन इन द सीड मीन्स फर्टिलाइजेशन हुआ और एम्ब्रियो डेवलपमेंट हुआ तो ओव्यूल बन जाएगा सीड, ये भी ओव्यूल बना सीड। जैसे सीड बना के सीड का ग्रोथ चालू होता है डाइक मोनोकोट में, डाइकोट में भी सीड का ग्रोथ स्टार्ट होता है। बट एलोंग दिट वेद ऑफ द ग्रोथ ऑफ द सीड दिस वॉल ऑफ द ओवरी ऑल्सो डेवलप मिलियंस ऑफ टाइम, थाउजेंड्स ऑफ टाइम। तो सीड भी बड़ा हो जाता है और फ्रूट भी बड़ा हो जाता है। इफ एनी बडी ऑफ यू हैव सीन दैट द फ्लावर ऑफ मैंगो, फ्लावर मैंगो का इतना है, उसकी ओवरी इतनी होती है, अगर इतनी ओवरी रहेगी तो हमको मैंगो खाने को भी इतना ही मिलेगा, इट्स नॉट पॉसिबल। बट मैंगो फ्रूट इज क्वाइट लार्ज देन इट ऑफ, वाई? बिकॉज आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, वो सीड की भी साइज बढ़ती है और इसकी ओवरी की साइज भी बढ़ती है। हियर इन मोनोकोट वॉट वॉट एपन द इंक्रीज इन सीड, बट दिस ओवरी वॉल इतनी स्पीड से इंक्रीज नहीं करती है और वो सीड कोट आके ने ये ओवरी वॉल के साथ फ्यूज हो जाता है। तो बोलो क्या हुआ? सीड एज वेल एज दिस फ्रूट कवरिंग बोथ आर द कॉमन। तो देखो ये पूरा जो हमने यहाँ पे डबल लाइन से ड्रॉ किया है दैट इज द कॉमन। अब देखो अभी हमने देखा था अपर पार्ट इज फिल विद द रिजर्व फूड मटेरियल, तो ये अपर पार्ट जो रिजर्व फूड मटेरियल से फिल है उसकी ऑल द वॉल्स हैज द स्पेशलाइज सेल्स, दिस सेल आज फिल्ड विद द प्रोटीन मॉलिक्यूल, प्रोटीन पार्टिकल्स।
alluron layer, alluron, and this is starch, endospermic starch, alluron means proteinaceous. अब ये दो पार्ट हो गए. अब यहाँ से एक मोनोकोट, मोनोकोटलीडॉन मीन्स सिंगल कोटलीडॉन. ये मोनोकोटलीडॉन के यहाँ पे अंदर इसका ये एम्ब्रियो रहता है, अंदर प्रोटेक्टेड है एम्ब्रियो. बट वी हैव टेकन द सेक्शन, ऐसा सेक्शन ले लिया है तो ये ऊपर का मोनोकोट का ऊपर का पोर्शन जो इसको कवर करके जाता था वो कट हो गया है. सो बैक साइड वट एवर दिस, दिस इज द कोटलीडॉन. ये पूरा बैक साइड कोटलीडॉन है ना, उसके ऊपर दिस पेन, ये मेरा पाम है, दिस पाम इज द कोटलीडॉन. बिकॉज आगे का जो ऐसा फोल्ड होके आया था वो कट हो गया और ये जो रह गया ये पेन है, दैट इज द एम्ब्रियो एक्सिस. इन दिस एम्ब्रियो एक्सिस यू कैन मेक आउट हियर, दिस इज द प्लूम्यूल. As well as this extra covering, coleoptile. And here radical. Along with that will be extra covering, coleorrhiza. और ये जो इसका पूरा ऐसा हो क्या आता था, ऐसा पूरा बोलो क्या था वो, वन कोटलीडॉन. इसके अंदर ये coleorrhiza radical, इधर प्यूमिल एंड कोलियोप्टाइल, वो अंदर था ऐसा. ऐसा कट कर दिया तो ये दिखता है. तो बैक साइड पे जो रह गया मोनोकोट सिंगल कोटलीडॉन, दैट इज नोन एज कुटेलम. लुक दीज आर द सीड्स. नाउ लुक हियर फ्रूट, हियर दीज टू आर द फॉल्स फ्रूट. लुक apple, what happened in this apple? So look, this apple, this ovary, inside the ovary these are the ovules 1 2 3 4. After fertilization this ovule turns into seed and this turns into the epicarp. This is the thalamus. ये सब गिर गया बोलो. ये एपिकार्प का थोड़ा ऐसा जैसा डेवलप होता है, दिस ऑल पार्ट सेड ऑफ बोलो. ये जो ऐसा एपिकार्प डेवलप हो रहा है मीन्स वॉल ऑफ ओवरी, वहाँ तक तो थैलेमस आके ने इसको पूरे चारों साइड से फ्रॉम हियर हियर बैक अप यहाँ से इसको कवर कर लेता है. अब वो एपिकार्प को डेवलप होने का जगह ही नहीं है. सो दिस कंप्लीट डेवलपमेंट इज ऑफ द थैलेमस. तो एक्चुअल फ्रूट ये गा एपिकार्प एंड दिस सीड. तो यहाँ पे हम जो ड्रॉ करेंगे तो देखो लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड एपियर लाइक दिस. बोलो ये जो था ओवरी थी, रियल फूड और सीड तो यहाँ ओवरी में से आएगा. तो लुक ऐसा लगना चाहिए कि वो हमने ड्रॉ किया है. और इसका ये अटैचमेंट नीचे का, देखो ये इसका स्टॉक था, ये स्टॉक निकल गया. चलो यहाँ पे जो देखो दीज आर द टू अंदर के ये ओव्यूल्स, दिस ओव्यूल टर्न्स इनटू द सीड. समझ में आ रहा है? देखो ये पूरा ये ऊपर का सेड ऑफ हो गया, ये है, ये नीचे का है चला गया. दिस शुड डेवलप इन टू द फ्रूट. तो ये फ्रूट बन रहा है, अंदर के ये है वो सीड बन रहेंगे. बोलो क्या हुआ यहाँ पे से? तो ये जो है यहाँ सर, ये थैलेमस नीचे से डेवलप हुआ. लुक दिस सेक्शन व्हेन टेकन ट्रांसवर्स. बोलो ये जो है, सॉरी ये अपने एप्पल का है ना, अब स्ट्रॉबेरी. बोलो स्ट्रॉबेरी का पहले ट्रांसवर्स सेक्शन. ट्रांसवर्स सेक्शन बहुत इजी है. इन फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड यू हैव ड्रॉन द फ्लावर.
in drawing class. Along with this, in ये flower है वो क्या है, उसका तो ovule का part है और ये सब ovule का arrangement है, presentation जो भी होता है उसका वो है. और इसके ना आजू बाजू देखो, लुक दिस इज अ, ये पूरा फ्लावर ही ड्रॉ करना है हमको. अंदर का फ्लावर स्टार शेप, देन दिस फ्लावर. चलो इसके ऊपर ये ओवरी वॉल है, उसकी जो भी जाइलम फ्लोएम पिक्युलेटिस एंड अदर एनाटोमिकल स्ट्रक्चर्स होगा जो भी, वो सब ये यहाँ से ये देना. इन दिस सराउंडिंग इट थैलेमस. पहले ये अंदर का हिस्सा स्टार से फ्लावर ड्रॉ करना है, उसमें सीड, देन आफ्टर दिस फ्लावर, देन आफ्टर ये थैलेमस का पार्ट, सॉरी ओवरी का पार्ट हो गया, देन थैलेमस. नाउ लुक दिस सेम थिंग इन इस वर्टिकल सेक्शन. बोलो इंटरनली दिस इज द रियल पार्ट, और जो कुछ एम्ब्रियो ने वो है एम्ब्रियल एक्सिस, देन वॉट एवर उसकी इंटरनली जो भी पिक्युलरिटी रहेगी वो. ये पूरी सब फिगर तुमको आनी चाहिए. दिस फिगर इज इम्पोर्टेंट नॉट ओनली फॉर योर बोर्ड एग्जाम, बट इट इज दीज आर ऑल्सो आस इन द योर गुजकेट एंड नीट. यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस कि ये काय की फिगर तो ग्रेमिनी की है, ये काय की तो मेस का सीड है, ये एप्पल है, एक्सेट्रा जो भी है वो सब. एज वेल एज इसका जो लेबलिंग है, दैट लेबलिंग यू शुड बी रेडी विथ. Many time they ask to identify the label part and write his function. तो देखो जहाँ पे रेडिकल को उन्होंने लेबल कराएगा तो तुमको रेडिकल का फंक्शन लिखना पड़ेगा, कॉलियोप्टाइल तो कॉलियोप्टाइल का फंक्शन लिखना पड़ेगा. Now look, we move to the last topic. Yes, 2.5 on page number 38. पेज नंबर 38, टॉपिक नंबर 2.5, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी. लुक, ऑल्दो सीड्स इन जनरल आर द प्रोडक्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन. अभी हमने देखा फर्टिलाइजेशन होएगा तो ओव्यूल, डेट ओव्यूल टर्न्स इनटू द सीड्स. मीन सीड्स आर द प्रोडक्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन. A few flowering plants such as some species of Asteraceae and grasses. Asteraceae means the, that is of sunflower family. Highlight karo sunflower family. Grasses ki family ko bolenge Poaceae. Asteraceae highlight karke baju mein likho sunflower family and grasses ko baju mein likho Poaceae family. Poaceae family, Poaceae, Poaceae family. Gramineae, it is also called as the Gramineae. Grass को Gramineae भी बोलते हैं के. तो Poaceae family, bracket में ऐसा भी लिख दो Gramineae. Have evolved a special mechanism to produce seeds without fertilization. बोलो क्या होता है उसमें fertilization, without fertilization, they can produce the seed. As we have studied in that of the seed determination in animal. उसमें हनी बीज, वी हैव आइडेंटिफाइड दैट सम ऑफ द एग्स बीच डू नॉट गेट द स्पर्म एंड डू नॉट फर्टिलाइज, दे डायरेक्टली डेवलप इन टू द
मेल, स्टराइल मेल. ऐसे यहाँ पे भी सीड विदाउट सॉरी दैट विदाउट फर्टिलाइजेशन दे डेवलप इनटू द फ्रूट. सो लुक हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे ये जो ओव्यूल था, ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन होके सीड बनता और यहाँ पे होता. बट क्या हुआ, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन पोलन ट्यूब आके फर्टिलाइज करता है तो फिर सीड बनता है. बट वॉट एपन, विदाउट फर्टिलाइजेशन दिस ओव्यूल स्टार्ट टू एक्ट एज अ फर्टिलाइज स्ट्रक्चर एंड टर्न्स इनटू सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन. कितने स्टूडेंट बोलते हैं सर विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट डेवलप, दैट इज अ पार्थेनोकार्पिक. यस, विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में एक्सप्लेन करता हूँ. देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपन. दिस ओव्यूल डज नॉट अंडरगो एनी फर्टिलाइजेशन, सो इट रिमेन अनफर्टाइल एज इट इज, दो नो सीड, जस्ट ओनली डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट. यहाँ तो ये ओव्यूल के अंदर का जो है पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया और ये सीड भी बन गया, नहीं ये फ्रूट भी बन गया विदाउट फर्टिलाइजेशन. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. इन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, फ्रूट्स स्टार्ट टू डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, सो सीड नहीं बनता है. यहाँ पे क्या हुआ, ओव्यूल विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड में कन्वर्ट हो गया. वो सीड बन गया तो डेफिनेटली उसका सराउंडिंग ओवरी पार्ट है वो काय में कन्वर्ट होगा, फ्रूट में. इट प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, हाइलाइट करो, इट प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन. पार्थेनोकार्पी तो क्या है, फ्रूट विदाउट सीड. यहाँ तो इट प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, कॉल एपोमिक्सिस. व्हाट इज फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड, फूड प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज पार्थेनोकार्पी. दस एपोमिक्सिस इज फ्रॉम ए फॉर्म एस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वाई इट इज असेक्सुअल, विदाउट फर्टिलाइजेशन, देर इज नो फर्टिलाइजेशन. विदाउट फर्टिलाइजेशन मीट इट, इट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मिमिक्स मिमिक्री करता है उसके जैसा भी. किसके जैसी एक्शन करता है, फर्टिलाइजेशन जैसी, बट वो फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है. There are several ways of development of the apomictic seeds. In some species, the diploid egg cell is formed without reduction division and develops into the embryo without fertilization. बोलो अब क्या होता है? When embryo sac was developed, we have studied it. When embryo sac developed, development of the embryo sac means megaspore mother cell. In this. बोलो क्या हुआ था यहाँ पे, MMC, मेगास्पोर मदर सेल. वो जो मेगास्पोर मदर सेल था, वो मेगास्पोर मदर सेल इन दिस ईयर अंडरगो, ये डिप्लोइड था, इट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन एंड फॉर्म फोर हैप्लोइड सेल. दिस आउट ऑफ दिस फोर थ्री डीजनरेट एंड वन रिमेन एक्टिव. This one which remain active, it immediately undergo three continuous mitosis. So, one, second, third, total eight haploid cells are formed. Out of these, here, two synergids and one egg cell, two joint here, diploid, and three remain here. Antipodal cells. So what happened here? This is the external structure, and these all are the haploid. Haploid here, two nuclei fuse together, hence they are diploid. But look here. Here what happened? This megaspore mother cell, जो उसका यहाँ पे बोलो क्या हुआ था, reductional division and four cell was form, और इसमें से three degenerate हुए थे. तो look, this megaspore mother cell does not undergo रिडक्शन डिविजन, और वो फोर बन के थ्री डिजनरेट होता है, वो कुछ होता ही नहीं है. दैट वन इमीडिएटली अंडरगो थ्री सक्सेसिव माइटोटिक रिविजन, वन टू ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ. तो आउट ऑफ दिस थ्री एंटीपोडल, दिस टू फ्यूज हियर,
tetraid nuclei and these three are here. So what will be happen here? These all are diploid. Because जो मेगा स्पोर मदर सेल को यहाँ पे रिडक्शन होके एक में से एट बनना था, तो ये डायरेक्टली टू एन में से एट बना. ये हैप्लोइड होके एट सेल बनता, ये डिप्लोइड ही हेड सेल बन गए. व्हाट डज दिस मीन? बोलो यहाँ पे ये हैप्लोइड होके बनता तो जब मेल गैमेट आके फ्यूज करता तो वो डिप्लोइड होता. ये तो ऑलरेडी डिप्लोइड है, सो दिस डज नॉट रिक्वायर्ड fertilization. Immediately it will start as a fertilized structure and they have develop into the embryo. So what happen? Development of embryo means this is the development of seed without fertilization, aur ye pura fruit bhi banega. More often is in many citruses and mango variety. Citrus is lemon tree. And mango varieties, some of the new cells surrounding the embryo sac start dividing. बोलो अब उसमें क्या होता है, साइट्रस और मैंगो में ये जो एम्ब्रियो सेक ने, ये न्यूसेलस का जो पार्ट था यहाँ का, तो डेफिनेटली दिस एम्ब्रियो सेक तो उसका ये जो स्ट्रक्चर बताता है, बट बिफोर इट ये न्यूसेलस हैगा. ये न्यूसेलस जो है वो न्यूसेलस का डिवीजन होके अंदर आ गया. अभी अंदर का पूरा वो एट न्यूक्लियाई ने कुछ बना ही नहीं, यानी ये जो अंदर एंटर हो गया बाय डिवीजन, इट विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ एम्ब्रियो, स्टार्ट डिवाइडिंग, प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सेक एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियोस, और वो एम्ब्रियो जैसा फंक्शन चाल करता है. यहाँ पे था वो सब, वो मेगा स्पोर मदर सेल ने उसका रिडक्शन डिवीजन थ्री डी जनरेट ने ऐसा हो रहा है वहां तक, तो ये सेल ने आके यहाँ पे सेटल हो गया और उसने एम्ब्रियो जैसा बिहेव चालू कर दिया. इन सस्पीसीज ईच ओव्यूल कंटेंस मेनी एम्ब्रियो. वाई? यहाँ का सेल यहाँ पे आ गया, यहाँ का सेल यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, मीन्स दिस ऑल टर्न्स इनटू मेनी एम्ब्रियो. एक्चुअली वन ओव्यूल, वन एम्ब्रियो, वन सीड. यस, वन फ्रूट हैज अ नंबर ऑफ सीड्स, बट वन, बिकॉज एक ओवरी के अंदर सपोज 10 ओव्यूल है, तो एवरी ओव्यूल टर्न्स इनटू वन सीड, वन एम्ब्रियो. But here what happened? In this one ovule, many embryos are there. This is also referred as the polyembryony. Take out some seeds of the orange, squeeze them, observe the many embryos of the different size and shapes from each seeds. Count the number of the embryos in each seeds. What will be the genetic nature of the apomictic embryos? Diploid. क्यों? फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, बट वो था तो कौन सा, डिप्लोइड है, हैप्लोइड डिवीजन होने के बगैर ही बन गया. बट उसका जेनेटिक फॉर्मेशन इज एग्जैक्टली लाइक दैट ऑफ द मदर सेल. फर्टिलाइजेशन होता तो उसका बोलो हाफ ऑफ द जीन्स फ्रॉम द पोलन एंड पोलन यानी मेल गेमिट के हाफ ऑफ फ्रॉम द एग. बट यहाँ पे बोलो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, सो विदाउट फर्टिलाइजेशन वॉट हैपन हियर, देर ऑल द जीन्स आर ऑफ वॉट, there all the genes are of the mother cell, diploid है, but all the genes are of the mother plant के ये hybrid. अब देखो यहाँ पे इसका important है, this last paragraph is given of the hybrid, but actually वो क्या हैगा, where this apomixis is useful, how it is useful. So look, try to understand hybrid variety. Suppose this is a wheat X type, this wheat is X1 type. So what happen when we fertilize this and this both? So we have the X2 type of the wheat. In this X2 type of the wheat, numbers of seeds are there. But what happen? These seeds cannot survive. This cannot be stored. बोलो normal में इसके ही जो आते हैं या इसके आते हैं तो वो हम store भी कर सकते हैं और हम उसको फूड में भी यूज कर सकते हैं. दिस कैन ऑल्सो स्टोर एंड यूज बी एज ए फूड. बट दिस वेन फर्टिलाइज हाइब्रिड, इन दिस हाइब्रिड वी कैन यूज एज अ फूड, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर. बिकॉज वेन वी स्टोर वॉट हैपन ऑन द नेक्स्ट सीजन, इट does not easily undergo meiosis to form male gamete and female gamete, because उसके जो chromosome number है वो balance नहीं होता हैगा.
अगर जो इसका ही होता तो क्रोमोसोम बैलेंस होता, सेम क्रोमोसोम रहते, सेम पेयर रहती, इसकी इसकी पेयर अलग, इसकी पेयर अलग, सपोज नंबर्स ऑफ पेयर्स आर सेम, द स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स आर लिटिल बिट डिफरेंस, सो दे कैन नॉट इजिली अंडरगो मियोसिस, सो मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैनिस कैन नॉट बी प्रोड्यूस इन दिस हाइब्रिड. So what happen? Every time that farmer has to develop the hybrid form, और वो hybrid form आने के बाद में उसके seed को develop करना पड़ेगा, and it is very costly as well as very effective scientific function. That cannot possible by that farmer. तो क्या होता है इसमें, यह हाइब्रिड आया तो यह हाइब्रिड को कोई भी करके कुछ भी करके ये एक्स टू टाइप वीट डेवलप करने के लिए नेक्स्ट ईयर क्या करा देने का, इसका एपोमिक्सिस करा देने का. विदाउट फर्टिलाइजेशन दैट ओव्यूल विल एक्ट एज अ सीड. तो बोलो हमको सीड वापस मिल जाएंगे जो हम खाएंगे भी, वी कैन यूज एज अ फूड एज वेल एज वी कैन स्टोर. फिर थर्ड ईयर वंस अगेन वी कैन not have the natural pollen ने वो सब नहीं, because वही balancing, chromosome balancing का problem आएगा. so what to do, apomixis कर दो, apomictic type बना दो. so look, hybrid varieties of several of our foods and vegetable crops are being extensively cultivated. cultivation of the hybrid is tremendously increased the productivity. हाँ, वो hybrid की productivity बहुत ज़्यादा होती है, seed भी ज़्यादा होते हैं उसमें से जो मिलता है, वो भी fruit material भी ज़्यादा होता है. One of the problems of hybrid is that hybrid seeds have to be produced every year. If the seeds collected from the hybrids are sown, the plants in the progeny will segregate and do not maintain hybrid character. उसे character आएंगे नहीं, क्योंकि वो सब segregation, lob segregation भी लगेगा, ने meiosis तो mitosis में problem भी आ जाएगा. Production of the hybrid seed is costly and hence the cost of the hybrid seeds become too expensive for the farmers. If these hybrids are made into the apomictics, बोलो क्या कर देने का उसको, apomictics कर देने का. There is no segregation of the character in the hybrid progeny. तो बोलो ये दोनों का ये apomixis बना दो. अभी अपने बोला था apomixis without fertilization seed, means plant का ही रहेगा. तो बोलो ये दोनों का hybrid हमने पहले बनाया, फिर उसके seed को हमने apomixis कर दिया. तो बोलो यहाँ पे ये हाइब्रिड का कैरेक्टर थे वही रहेगा. फर्स्ट ईयर ये, सेकंड ईयर हमको क्रॉप मिला, बोलो वही फिर उसके उसके बाद के ईयर में भी क्या करेंगे, एपो एपोमिक्सिस, मीन्स वंस वॉट एवर हाइब्रिड यू हैव प्रोड्यूस दैट विल कंटिन्यू फॉर द जनरेशन एंड जनरेशन. देन द फार्मर्स कैन कीप फॉर यूजिंग द हाइब्रिड सीड्स टू रेज द न्यू क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर, एंड ही डज नॉट हैव टू बाय हाइब्रिड सीड्स एवरी ईयर. Because of the importance of the apomixis in hybrid seeds industry, active research is going on in many laboratories around the world to understand the genetics of the apomixis and transfer apomictic genes into the hybrid varieties. Bolo hua hai. So look, this is the what? This is our chapter number 2. We have completed. Iske baad ka jo hai, next time karenge. Okay? Best of luck.